गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे सभी को। अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन और इस ब्लॉग में बहुत आनंद आने वाला है आपको। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं। और अभी मैं निकला हूँ मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के लिए। वहाँ पे मुझे मिलेंगे राजेश सर, सुभाष जी, रिंगेश जी। तो हम चार या पाँच लोग हैं, तो हम जा रहे हैं वृंदावन। हर एक या दो तारीख को हम जाते हैं गिरिराज जी या द्वारकाधीश या सांवरिया शेठ। तो इस बार हम जा रहे हैं वृंदावन। और चलिए चलते हैं। और आपको मैं पूरा जो व्लॉग रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा, आपको वृंदावन की भी झांकी देखने को मिलेगी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मानसरोवर मेट्रो स्टेशन। अब देखते हैं कौन कौन है। रिंकेश जी आए हैं अभी सबसे पहले। ये है फेमस, एक सेल्फी लेंगे साथ में। समोसे के लिए तो जयपुर से आए हैं कि गिरिराज जी के समोसे खाएंगे जाके। दोस्तों हम लोग आ गए हैं आज गिरिराज जी की परिक्रमा में और अपन अभी एट प्रेजेंट खड़े हैं श्री गिरिराज जी मिष्ठान भंडार पर। और यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता में ये बड़ी पूड़ी है सूजी वाली और ये कचौड़ी किसकी है, दाल की कचौड़ी है। और यहाँ ये फेमस है और बहुत अच्छा तरह से हम लोग खाएंगे आलू की। बड़ी टेस्टी है। हमने गिरिराज जी के समोसे तो नहीं मिले लेकिन बड़ी पूरी खाई थी। उसके बाद में हम पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर। और दान घाटी मंदिर में आप देख सकते हो कृष्ण कन्हैया ने जो ये लगा रखा है, तो पर्वत पूरे अपने उंगली से उठा रखा है। पहले सबसे पहले यहाँ से दर्शन करेंगे, उसके बाद में बड़ी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो चलते हैं आगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। करेंगे यहाँ से स्टार्ट, पकड़ लेना मैं तुमको। जो नाग नाग वगैरह मिले थे इधर, इसके अंदर भी ले देंगे वो? नहीं, वो आप जगह दिखाऊं आज। पहुंच चुके पौषिक लट्टा, इस जगह पर रुक के आपको दर्शन करने। कल राधाष्टमी, इस कारण भयंकर भीड़ है। आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल। जय श्री राधे। बिल्कुल देख सकते हो आप कितना क्राउड है। इस जगह पे गोवर्धन पर्वत का सिरमुख, यहाँ से मुंह है गोवर्धन पर्वत जी का, आप देख सकते हो। और चलते हैं आगे, यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से चलते आगे क्योंकि ज्यादा भीड़ है अभी। दूध चढ़ाया जा रहा था, देख सकते हो कितनी भयंकर भीड़ थी यहाँ पे। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ में हो तो आप बिल्कुल भी दर्शन करने के वो नहीं रहे क्योंकि भगदड़ हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि बहुत जगह से खबर आती रहती है कि भगदड़ हो गई, वहाँ पे इतने लोग मर गए, इसलिए दर्शन भगवान के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो भगवान अपने पास ही बुला ले ऐसी भगदड़ में। गाइस अभी हम चढ़ेंगे गिरिराज जी पर्वत पे, मैं अभी दिखाता हूँ। ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर से पूरा नजारा दिखेगा सर। छत पे भी जाएंगे क्या? पूरा नजारा दिखेगा इधर से पूरा। अब मैं दिखाता हूँ आपको गाइस, आप बिल्कुल वीडियो भी स्किप ना करें। जय साथ में तेरे। जय श्री राधे। यानी जी हफ्ते हुए आप देख सकते हो छत के ऊपर आ चुका है। छत से ऐसा माहौल देखने को मिलेगा आपको ऊपर श्रीनाथ जी के ऊपर। यह मंदिर के ऊपर की जगह, श्रीनाथ जी का मंदिर है। और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा गिरिराज जी क्या है। ये पूरे एक छत, एक तरफ की छत से मैं दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। के साथ बड़ी परिक्रमा होती है एंड अब करेंगे छोटी परिक्रमा स्टार्ट। पीछे की साइड में देखोगे वही मंदिर है और छोटी परिक्रमा स्टार्ट। इधर से छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है जब पैदल जाते थे। ये है चौथा टेका और इस जगह पे बैठ के दो मिनट आराम करना पड़ता है, ये अपनी श्रद्धा का पार्ट है। अब यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे राधा कुंड।
फाइनली राधा कुंड पहुंच चुके हैं और मैं राधा कुंड अभी दिखाता हूँ आपको बैक साइड से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। सुभाष जी हेलो करो, हेलो हेलो करो हेलो। ये गाइस कुसुम सरोवर, मंदिर है मानसी गंगा। अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको, चलिए चलते हैं। स्वयं रक्षा करें, जय हो। पूजा के बाद में खाते प्रसाद। आज में हमारी परिक्रमा गिरिराज जी महाराज जी की एंड होती है गाइस। अब नेक्स्ट चलेंगे वृंदावन, जहाँ पे गिरिराज जी जी के साथ में हमारी दोनों परिक्रमाएं होती है यहाँ पे समाप्त। और सुभाष जी बैठे हुए हैं आगे आगे।